सेवाग्राम, जहां इतिहास, सादगी और निस्वार्थ सेवा एक साथ रहते हैं। ये वो स्थान है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों ने जड़ें जमाई। भारत वर्ष के हृदय स्थल में विराजित सेवाग्राम आश्रम वर्धा एक परम पावन स्थान है, जहां से महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को भारत भर में फैलाया और देखते ही देखते ये चिंगारी विराट ज्वाला बन गई। गांधी जी जिधर चल पड़े उधर क्रांतिकारियों का जनसैलाब आंधी और तूफान की तरह चल पड़ा। वर्धा सेवाग्राम आश्रम की स्थापना वर्ष 1936 में वर्धा के समीप शेगांव नामक छोटे से गांव में की गई थी। सत्याग्रह आंदोलन को अधिक तीव्र करने के उद्देश्य से भारत के केंद्रीय स्थान में गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी और इसे अपनी मुख्य कर्म भूमि बनाया था। गांधी जी के पावन जीवन के कारण सेवाग्राम गांधीवादी विचारों का ऊर्जा केंद्र बन गया। ये भारत वर्ष का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। सेवाग्राम की इसी धरती पर गांधी जी के पड़े पद चिन्हों पर चलते हुए एक शख्स ने अपना जीवन गांधीवाद को समर्पित कर दिया। ये शख्स बचपन में बापू के करीब रहे, उनके स्नेह के भागी रहे, बचपन में ही उनसे जीवन के मायने सीखे, उनकी प्रेरणा से ही प्रसिद्ध चित्रकार बने और फिर गांधी जी के सहयोगी एवं शिष्य रहे, आचार्य विनोबा भावे के अनुयायी रहे। ये गांधीवादी बहुआयामी कलाकार भले ही गुमनामी में जीवन जीते रहे हैं, लेकिन बचपन में गांधी जी के बताए रास्तों से कभी डिगे नहीं। इस महान शख्सियत का नाम है गजानन अम्बुलकर गुरुजी। वर्ष 1942 में जब बापू ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की बिगुल फूंकी, उसी साल कला जगत के इस नायाब हीरे का जन्म हुआ था, जिन्हें लोग आज गुरुजी कहकर पुकारते हैं। गजानन गुरुजी ने सेवाग्राम आश्रम के हिंदुस्तानी तालीम संघ में बुनियादी शिक्षा ग्रहण की। ऐसा है कि मेरा जो जन्म हुआ वो 42 का जो आंदोलन चल रहा था सारे भारत भर में स्वतंत्रता के लिए, ऐसे माहौल में मेरा जन्म हुआ। तो मेरे पिताजी शिक्षक थे उस समय, आज का जैसा जिसको बोलते जिला परिषद, उस समय जनपद था, तो उस समय का अंग्रेजी जमाने का कार्य था, तो वो एक मन एक ढंग से इंग्लिश सरकार के शिक्षक के तौर पे नौकरी थे। 1940 के दशक में जब अंग्रेजों के खिलाफ देश में आंदोलन तेज हो गए थे, तब गांधीवादी विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोगों ने अंग्रेजी सरकार की नौकरियों को लात मारकर सेवाग्राम में ही सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही व्यक्तियों में से एक थे नथोबा अम्बुलकर, जो अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए थे। उस समय के माहौल के अनुसार बहुत सारे लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी, तो पिताजी खादी वादी पहनने लगे, तो उनको एक ये आया नोटिस आया सर्कुलर कि खादी छोड़ो नहीं तो नौकरी छोड़ो, तो पिताजी ने नौकरी छोड़ दी। नथोबा अम्बुलकर सेवाग्राम तथा पवनार के बीच पड़ने वाले एक गांव वरुड़ के निवासी थे। उनके चार पुत्र हुए, सुदामा, दिगंबर, गजानन और श्रीराम। उनके बेटों में गांधी जी के विचार और संस्कार आए, इस उद्देश्य से नथोबा उन्हें अपने साथ सेवाग्राम आश्रम में लाने लगे। कालांतर में वो सेवाग्राम के चरखा संघ में
शामिल हो गए और सूत काटने से लेकर संघ के बाकी सभी अभियानों में शामिल होने लगे। दुर्भाग्यवश वर्ष 1946 में उनकी धर्मपत्नी वीठाबाई का स्वर्गवास हो गया। उस समय गजानन जी केवल 4 वर्ष के थे। इन सब इसके से मेरी अपनी जो माँ है वो नहीं रही, चले नहीं गए। तो इसलिए फिर हमारा क्या हुआ कि हम फिर माँ चले गई तो हमको कहाँ रखेंगे कौन। तो पिताजी को यहाँ रहने के लिए बुला लिया और यहाँ पर हम रहते थे। और यहाँ का माहौल ऐसा था कि सवेरे 4 बजे से काम हो जाता था, तो गांव से पिताजी 4 बजे यहाँ आते थे और दिन निकलने के बाद हमको यहाँ पर ले आते थे। उन्होंने चित्रकला एवं संगीत की उच्च शिक्षा खाम गांव के लोकमान्य तिलक विद्यालय में हासिल की। सेवाग्राम में शिक्षा ग्रहण करते समय उन्हें गांधी जी का मार्गदर्शन और साथ मिला। तब से उन्होंने प्रतिदिन चरखे से सूत कताई और खादी के वस्त्र पहनने का संकल्प ले लिया, जो आज तक कायम है। चरखा और खादी दोनों गजानन जी के जीवन के केंद्र बिंदु बन गए। आज 81 वर्ष की आयु में भी वे नित्य नियम से चरखे से सूत कताई करते हैं और खादी के वस्त्र पहनते हैं। अम्बुलकर गुरु जी नई तालीम के विद्यार्थी रहे हैं और बचपन से लेकर बड़े होने तक, उत्तर बुनियादी तक, वे इस पूरे माहौल में जिस तरह से पले बढ़े और आगे जाकर एक कला शिक्षक के रूप में, कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत अपनी लंबी इनिंग खेली हैं और बहुत बड़ा योगदान दिया है। और काफ़ी समय तक वो अपने कला क्षेत्र से लेकर शिक्षा के साथ कैसे समन्वय बन सकता है, समवाय बन सकता है, इसको लेकर उनका अपना एक काम रहा, विचार रहे हैं और उसी को लेकर वो यहाँ पर काफ़ी समय तक काम करते रहे। संगीत हो, कला हो, साहित्य हो, इन चीज़ों के साथ एक शिक्षा का जो महत्वपूर्ण संबंध है, उस संबंध को एक वास्तविक रूप में उतारने के लिए जो उन्होंने काम किया वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही उम्दा भी है। एक ऐसा समय आया कि यहाँ पर नए सिरे से नई तालीम का विद्यालय खोलने की बात आई 2004 में। तब गुरुजी यहाँ के कस्तूरबा हॉस्पिटल से जस्ट रिटायर हुए थे। नई तालीम का प्रयोग कैसे किया जाए, आज के संदर्भों में उसमें के कौन से हिस्से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तत्व कौन से महत्वपूर्ण हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाए, इसके बारे में जब हम खोज रहे थे तो सबसे बड़ा विश्वास और हमें प्रेरणा गुरुजी से मिली, क्योंकि गुरुजी इस काम को करने के लिए और मार्गदर्शक के रूप में हमें मदद करने के लिए एकदम तैयार थे। जिस तरह से गुरुजी देवी प्रसाद जी के शिष्य रहे और उन्होंने जिस तरह से कला और शिक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया, जिससे आनंद निकेतन में एक नया, जिसको हम कह सकते हैं एक नया अध्याय बना, जो खास करके शिक्षा में इन कला और बाकी क्षेत्रों को एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के रूप में देखा जाता, पर यहाँ वो नहीं है, वो करिकुलम का ही भाग है, उस अभ्यासक्रम का, पाठ्यक्रम का ही भाग है। चित्रकला तो कराते ही थे पर उसके अलावा उन्होंने संगीत बच्चों को सिखाया और संगीत सिखाने के वक्त भी उनका सिखाने का जो तरीका था, गाने की एक मज़ा जो होता है वो क्या है, यह अनुभव दिलाते थे और उसके बाद उनके साथ गीत गाते थे। उससे बच्चों में गाने के, गीत के प्रति, संगीत के प्रति एक बेहद चाहत निर्माण हुई और बच्चे बहुत खूबसूरती से गाने गाते थे। वो बच्चों के जो कला के नमूने हैं उसे किस तरह से डिस्प्ले बोर्ड पे लगाने से उसकी खूबसूरती ज़्यादा निखर कर आएगी, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों का काम तो वो खुद स्वयं करते थे, पर अध्यापकों को भी बच्चों के काम को केंद्र स्थान में कैसे लाया जाए, किस तरह से लाया जाए, उसके पीछे की दृष्टि क्या हो, इसके बारे में उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया।
छोटे से तकली से लेकर पेटी चरखा, अंबर चरखा, सब पे वो कताई हमें सिखाते थे। धागा टूट जाए तो धागा बर्बाद नहीं होना चाहिए, भले ही एक फीट का हो, आधे फीट का हो, धागा बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कपास उगाने में किसान ने इतनी मेहनत की है, वो धागा जोड़ा कैसे जा सकता है, इसके बारे में ध्यान देते थे। और कला हमारे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे साधना के, हमारी उन्नति के प्रतीक बने हैं। नई तालीम के रूप में जब भी मैं गुरुजी को देखता हूँ, तो हमारे लिए जो एक आदर्श के रूप में गुरुजी हमेशा रहे हैं। मैं भी कई बार उनके चित्रकला को समझने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए भी यहाँ काफ़ी समय आते रहा। मुझे लगता है उनका जो संबंध रहा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के साथ हो, चाहे आनंद निकेतन के साथ हो, या नई तालीम के आश्रम के सभी प्रवृत्तियों के साथ, उनका अपना संबंध बहुत ही स्नेहपूर्ण और बहुत अच्छे से रहा है। रिश्तों का महत्व वो जानते थे, रिश्तों में कितनी मेहनत करनी चाहिए हमने उनके जीवन से सीखा। संवाद होना चाहिए। गुरुजी तो उम्र से बड़े थे, बहुत बड़े थे हमसे, वो कोई रौब हम पर नहीं जमाते थे, वो हमारे पालक थे, वो हमारे मित्र थे, बड़े मित्र थे, और हमें हर बार प्रेरित करते थे कि हम ये काम कैसे करें। वर्ष 1951 की बात है, तब गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहे जाने वाले आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तब महज 9 साल के गजानन अंबुलकर भी अपना गिलहरी सहयोग देने इस महायज्ञ में कूद पड़े। वर्ष 1958 में भीमा नदी के तट पर बसे पंढरपुर में विनोबा भावे की सर्वोदय विचारधारा से संबंधित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तब इसमें गजानन अंबुलकर द्वारा बनाए गए मनोरम चित्र भी प्रदर्शित किए गए थे। 16 साल के इस बाल चित्रकार की तुलिका से बने चित्रों की अनेक महान चित्रकारों ने खूब सराहना की। इस प्रशंसा ने गजानन जी के कलाकार मन को संजीवनी दी और वो कला जगत का चमकदार सितारा बनकर उभरे। तो 1957 में जब उन्होंने कहा कि 1957 में सारे स्कूल वगैरह सब बंद करो और भूदान के काम के लिए जाओ, हिंदुस्तान के हर प्रदेश से विद्यार्थी आते थे। तो उस समय कुछ समय के लिए कुछ ये बंद कर दिया गया और सारे लोगों को, सारे विद्यार्थियों को, जिस प्रदेश में वो है उस प्रदेश में जाओ। तो ऐसे समय में मैं छोटा था, लेकिन हम भी उनसे जुड़ गए। गजानन जी ने वर्ष 1965 में विनोबा भावे का एक सजीव चित्र बनाया, जिसमें विनोबा भावे के हाथ में लालटेन और उनके देह से बिलगा हुआ एक मासूम बालक उकेरा गया था। ऐसा हुआ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था, तो सेवाग्राम आया था, काफ़ी बड़ा हो चुका था मैं, तो अचानक सुना कि बाबा ने तय किया है कि मुझे अभी इस दुनिया में नहीं रहना है, प्रायोपवेशन से मुझे जाना है, जिसको समाधि कहते हैं। तो वो देख करके मेरे पुरानी सारी चीज़ें मेरे दिल में पैदा हुई और मेरी एक ऐसी ज़बरदस्त इच्छा हुई कि अगर इस स्थिति में, क्योंकि वो जो थे उन्मनी स्थिति में थे जाने के पहले और ये छोड़ने के पहले, जो स्थिति होती है आध्यात्मिक चीज़ों में उसको उन्मनी स्थिति कहते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो उनका अगर स्पर्श हो गया चित्र को, तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन धन्य हो जाए। और उसके लिए मेरी जो छटपट आई थी वो की, और मैं जब उनके पास ये चित्र कैसा पहुंचाना, क्योंकि उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि बाबा को कोई मिल नहीं सकते थे, उनके पास मैं पहुंचा और वहां पर जाने के लिए मुझे सब लोगों को मना थी तो मुझे मना थी, लेकिन वहां पर जो गौतम भाई करके, गौतम बजाज करके, जिन्होंने सारी अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिताई,
उनके साथ संपर्क होकर के वो चित्र बाबा तक चला गया। बाबा तक जाने के बाद में बाबा ने वो देखने के बाद कहा कि किसने बनाया, बोले फलाना फलाना है, वो बाहर है, बोले उसको ले आओ। और फिर गौतम भाई ने एक बहन को भेजा और मुझे अंदर ले गए बाबा के पास। अंदर ले गए तो वहाँ का जो माहौल था वो देख करके तो मैं राष्ट्रीय स्तर के मशहूर कलाकारों ने इस खूबसूरत चित्र की खुलकर प्रशंसा की। नागपुर के विख्यात कलाकार मान्यवर मसोजी ने इस चित्र को तमसो मा ज्योतिर्गमय का शीर्षक दिया था। भारत सरकार ने विनोबा भावे को श्रद्धांजलि देते हुए एक डाक टिकट जारी किया, जिस पर गजानन जी द्वारा बनाया गया विनोबा भावे का वही चित्र प्रयोग हुआ था। सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम का मेडिकल कॉलेज और यहाँ हमारा आश्रम परिवार पवनार का और वर्धा के भी हमारे भाई लोग वगैरह सभी लोगों से इनका बहुत नज़दीक का संबंध रहा हुआ है। और एक निष्ठावान कार्यकर्ता आज के ज़माने में ऐसे मिलने बहुत मुश्किल होते हैं, अपनी भरी जवानी से लेकर के तो आज तक वो सब उसी में रंगे हुए हैं। अब स्थूल काम तो कम होते हैं लेकिन फिर भी गांधी जी, विनोबा जी, इनके विचार है, उनका चिंतन मनन उनका सतत चलता रहता है और जो उनके संपर्क में आते हैं उन लोगों को उसकी वो जानकारी देते रहते हैं, बताते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा है, स्थूल कार्य से भी विचारों में नई पीढ़ी को जानकारी देना और उनको उसके बारे में रुचि पैदा करना, ये आज के ज़माने में ज़्यादा ज़रूरी है। नई पीढ़ी को गांधी जी के, विनोबा जी के विचारों से अवगत कराना, भारतीय अध्यात्म शास्त्र जो है, जीवन परंपरा है, सब उस सब से उनको परिचय करवा देना, मैं मानता हूँ ये शुरू के जो स्थूल कार्य है उससे भी ये ज़्यादा गहरा और महत्व का कार्य है। ये सब वो कर रहे हैं, इस उम्र में भी करते हैं, इसलिए मेरी उनके लिए अनेक अनेक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कुछ सालों तक मुंबई के एक कपड़ा मिल में पार्ट टाइम डिज़ाइनर के रूप में भी काम किया। इसके बाद उन्हें गांधी जी की मानस कन्या डॉक्टर सुशीला नायर ने वापस सेवाग्राम में बुला लिया। वो कस्तूरबा दवाखाना और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रही थी। वर्ष 1961 में बने हुए इस मेडिकल कॉलेज को भारत का पहला मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। तब मेडिकल छात्रों को अध्ययन के लिए डेड बॉडीज उपलब्ध नहीं होती थी, इसलिए उन्हें अंगों के चित्र और मॉडल से ही पढ़ाया जाता था। गजानन अम्बुलकर चित्र और मूर्ति शिल्प के महारथी थे। डॉक्टर सुशीला नायर ने मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में उन्हें आर्टिस्ट कम मॉडलर के पद पर नियुक्त किया। गजानन गुरुजी ने वहां काम करते हुए इंसानी शरीर के अनगिनत चित्र और उनके अंगों की प्रतिमाएं बनाई, जो आज भी सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में मिल जाएंगी। संगीत में विशारद अम्बुलकर गुरुजी ने मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन प्रार्थना कराने का जिम्मा भी संभाला था। उन्होंने वहां काम करते हुए सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज का लोगो भी बनाया, जिसमें गांधी जी सूक्ष्मदर्शी में देखते हुए दर्शाए गए हैं। उसी कालखंड में गुरुजी ने सेवाग्राम आश्रम के सभी कुटियों और स्थानों के आकर्षक चित्र बनाए। मैं उल्लास जाजू यहाँ सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग में प्रमुख रहा हूँ, हॉस्पिटल में। और इसी हॉस्पिटल में, इसी मेडिकल कॉलेज में गजानन अम्बुलकर भी काम करते थे और उनसे जो कुछ संबंध आया
जो हम लोगों के एक दूसरे को मदद मिली, उसका थोड़े में उनका जो मैं उनके बारे में समझा हूँ आपके सामने रख रहा हूँ। कम समय में ठीक शब्दों के साथ में सूत्रबद्ध आपके सामने उसका विचार रख सकूँ, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ आपके सामने, उसको पढ़ूंगा उनके आधार पर, ताकि थोड़े में शायद ज़्यादा चीज़ उनकी रख सकूँ। जीवन की जो उदात्त दृष्टि होती है उसको संस्कृति कहते हैं, और उस संस्कृति का यह एक चलता बोलता प्रतीक है। इसके जीवन की विशेषता है कि ये प्रार्थना मार्गी व्यक्तित्व है। क्या मतलब होता है, विनोबा समझाते हैं इसको। प्रार्थना में दैववाद और प्रयत्नवाद का समन्वय है। दैववाद में पुरुषार्थ को स्थान नहीं, इसलिए वो बावला है। प्रयत्नवाद में निरहंकारी वृत्ति नहीं, इसीलिए वो घमंडी है। दोनों ग्रहण नहीं किए जा सकते। दैववाद में जो नम्रता है और प्रयत्नवाद में जो पराक्रम है, इन दोनों का मेल प्रार्थना से आती है। मैंने कहा कि इसका व्यक्तित्व ये प्रार्थना के जैसा है, जिसमें नम्रता भी है और पराक्रम भी दोनों है। सदाचार इसका कर्म, सद्विचार इसका ज्ञान मार्ग, और सद्भावना उसका ध्यान मार्ग। इस इन तीन शब्दों में शायद इसके जीवन का सारांश आ जाए। सेवा गजानन का स्वाभाविक स्वभाव है। कर्म जब भक्ति के रूप में किया जाता है तो उसे सेवा का रूप आता है। सेवा दिखती है, भक्ति नजर नहीं आती, इसलिए सेवा पर से भक्ति का अंदाज करना होता है। तो सेवा प्रकट वस्तु है, भक्ति अव्यक्त है। गजानन के इस सेवा के गंगोत्री उसकी श्रद्धा भावना में। श्रद्धा गजानन का ध्रुव तारा भी है, केवल आरंभ नहीं है। अपने गुरुवरियों के प्रति, किनके किनके नाम गिनाऊं, पांडे गुरु जी लीजिए, पंधे गुरु जी लीजिए, आर्य नायकम जी लीजिए, आशा देवी जी को लीजिए, देवी प्रसाद जी को गिनिए, अनिल सेन गुप्ता को गिनिए, इत्यादि जो भी लोग आए होंगे उनके प्रति कृतज्ञता भाव उसका प्रथम प्रदर्शक बना। परिणाम था उसका जीवन वादनिष्ठ नहीं है, विचारों में नहीं उलझता है, पद्धति निष्ठ भी नहीं है, परंतु जीवन निष्ठ है, जीवन जीता है। उपरोक्त ध्रुव तारे से निखरी उसकी प्रांजलता, उसने अपनाया स्वैच्छिक दारिद्र्य, उसकी प्रसिद्धि परांगमुखता, जीवन में लाई हुई व्यवहार शुद्धि, उसकी सरल साधुवत वृत्ति, ये उसकी विशेषता है, और इसीलिए चरखा उसका गृह देवता बना। उसने अपने संयुक्त कुटुंब के कर्तव्य को यथाशक्ति निभाया, उसमें सौहार्द को सींचा, पर यह सौहार्द वृत्ति चार दीवारी तक सीमित नहीं रही, उसका समाज जीवन तक विस्तार हुआ। एक सांस्कृतिक समाज का सपना उसने देखा। उसने समझा कि सांस का, श्वास का जो शरीर में स्थान होता है वो विश्वास का समाज में है, और वो विश्वास समाज में खड़ा करने का प्रयत्न किया। उस पर लिखी एक पुस्तिका को प्रस्तावना रूप लिखें ऐसा उसने मुझे आदेश दिया था। तो मेरे शब्दों को उसमें जो मैंने लिखा उसको यथावत आपके सामने बता रहा हूं। कला किसके लिए? कला क्या केवल कला के लिए, या कला जीवन के लिए? कला महज कला के लिए हो तो वह एब्स्ट्रैक्ट कला बाजार में भले लाखों में बेची जाए, मेरे जैसे सर्वसामान्य व्यक्ति को उन रंगों की भाषा नहीं समझती। वो रंगों की भाषा अमूर्त होती है, वो मेरी अनुभूति नहीं जानती। कला यदि चंद चमकते चांदी के टुकड़ों की दासी बनकर बाजार में बैठ जाए तो क्या सांस्कृतिक धरोहर बन पाएगी? कला का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वह सर्व सामान्यों की वेदनाओं को मुखर करे, चेतना जागरण के मार्ग को टटोले। नई तालीम में संस्कारित हुए गजानन अम्बुलकर उपरोक्त जीवन कला के धनी बने।
उनके व्यक्तित्व को शब्दों में ढालना हो तो कुछ ऐसा कहेंगे, एनीथिंग दैट इज ब्यूटिफुल एंड ट्रू इज ऑलवेज सिंपल। कृष्णमूर्ति जी के शब्दों में रखना हो तो ब्यूटी इज ऑस्टियर। दादा धर्माधिकारी के शब्दों में रखना हो तो सौंदर्य में श्रृंगार नहीं होता। गजानन अंबुलकर की जीव का जीवन इस सौंदर्य पथ की अभिव्यक्ति है। उसका स्वधर्म उसकी कला में प्रकट होना फिर स्वाभाविक था। गजानन ने निकाला विनोबा का वह रेखा चित्र, उसकी साक्ष्य है। विनोबा की अनंत की ओर की नजर, हाथ में ज्ञान का पथ प्रदर्शक कंदिल, समर्पित गजानन के पीठ पर सांत्वना से धरा हुआ हाथ और लीड काइंडली लाइट यानी तमसोमा ज्योतिर्गमय के विचार का उद्धृत मंत्र कन्फ्यूशियस के उस वाक्य की याद दिलाता है कि अंधेरे को गाली मत दो, तुम अपना दिया जलाओ। मेरे गुरु पिता तुल्य अंबुलकर जी, उनके साथ रहते हुए शुरू में गांधी जी का और बहन जी का जो स्टैचू है बाहर जो आउटडोर में लगा हुआ है वो बनाने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए मैं यहाँ शुरू में आया था। काम का जो अनुभव जो था, डिपार्टमेंट के काम का जो अनुभव था वो लगभग इस डिपार्टमेंट का एनाटॉमी का नहीं था, लेकिन उनसे सीखते हुए काफ़ी सारा उन्होंने मदद किया। उनका जो काम है उन्होंने शून्य से, जीरो से शुरू कर इस हद तक डिपार्टमेंट को लेके आए जहाँ बच्चों के लिए हेल्प हो सके। शुरू में मटेरियल का प्रॉब्लम था, किस मीडिया में काम करना है। शुरू में मिट्टी POP इसी मटेरियल में काम किया जाता था, तो वो उन्होंने किस तरह से एनाटॉमी के मॉडल्स करना है इस बारे में मुझे बताया था। वर्ष 1978 में गजानन राव सेवाग्राम के कला भवन में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। कला भवन में आने के बाद उन्होंने सेवाग्राम के छात्रों को संगीत, चित्र और मूर्ति शिल्प का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उनके नेतृत्व में ट्रेनिंग कैंप के भी आयोजन होने लगे। गजानन जी मिट्टी और वनस्पति से कुदरती रंग बनाने की कला में माहिर हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी केमिकल रंगों की जगह प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। उन्होंने यहाँ रहते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, हिपोक्रेट्स, डॉक्टर सुशीला नायर, एनाटॉमी के जनक हेनरी ग्रे, संत नगाजी महाराज और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां और चित्र बनाए। मैं 91 में मेरे उम्र के 15 साल में यहाँ आया था। मुझे गीता, ज्ञानेश्वरी, भागवत ऐसा सीखने के लिए मैंने घर से निकला। मैं तो बीच में यहाँ आया तो यहाँ उस समय ऐसे सिखाने वाले लोग थे, तो फिर मैंने यहाँ रहने का तय किया। 91 से अभी तक सेवाग्राम आश्रम में एक आश्रमवासी के रूप में रहता हूँ। तो आश्रम वालों ने कहा कि इनको कुछ सीखना चाहिए, संगीत है ऐसा कुछ। तो यहाँ पांडे गुरु जी थे, अंबुलकर गुरु जी थे, सुदाम अंबुलकर और ये गजानन अंबुलकर जी, ये यहाँ नई ताली में रहते थे। तो शुरू में जो मुझे रुचि लगी कला की तो ये अंबुलकर गुरु जी से लगी है, क्योंकि उनको सितार आता था, वे हारमोनियम बजाते थे और माटी की कला भी जानते थे और कुछ सोशल बातें भी बताते थे। तो जो बीज होता है ना जो कला का, मुझे वहाँ के उनके कला भवन से मिला। हो गुरु जी का जो जीवन है एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के जैसे हैं। गांधी जी की जो विचारधाराएं थी उनका उनके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है, और उस प्रभाव को जब मेरी शादी हुई उसके बाद में मेरे मन के ऊपर में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इस आश्रम की जो एक
देन है यहाँ पे, जो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे इस आश्रम में रह चुके हैं उनसे मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे यहाँ पर डॉक्टर सुशीला नायर, जिन्हें हम बहन जी कहते थे, जो एक गांधी जी की मानस पुत्री थी और उन्होंने ही गांधी जी के जो इच्छा थी कि यहाँ पर इस गांव क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, मेडिकल हॉस्पिटल की स्थापना हो, तो उनके विचारों को बहन जी ने यहाँ पे मूर्त रूप देते हुए 1959 में यहाँ पर सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। उनसे भी मुझे मिलने का सौभाग्य मिला और काफ़ी दिनों तक, जब तक वो जीवित थे, मैं जब भी यहाँ आता था उनसे मिलता था और उनके विचार जो थे बहुत ही प्रेरणादायी थे, बहुत कुछ सीखने लायक उनके विचार थे। वैसे ही यहाँ पर इसी आश्रम में गांधी जी की पुत्रवधु, सबसे छोटी पुत्रवधु श्रीमती निर्मला रामदास गांधी काफ़ी सालों तक यहाँ पर रहे वो, और शादी के बाद में भी मुझे लगता है कि लगभग 5 साल तक वो यहाँ पे थे और जब भी हम आते थे उनसे मिलते थे, बहुत ही दयालु थे वो, तो उनके साथ में मिलने में, उनके सीखने में बहुत कुछ हमें मिला है। वैसे ही यहाँ पर हमारे श्री PKP नायर, जिन्हें हम आबा बोलते थे, पांडे गुरु जी और अम्मा कुसुमताई, वो भी यहाँ पर थे। पांडे गुरु जी और अम्मा ने हमारे अम्बुलकर गुरु जी के जो बड़े भाई थे, सुदाम दादा अम्बुलकर, जो कि जन्म से ही जो ब्लाइंड थे, उनका पूरा देखरेख उन्होंने किया और वो इस कॉलेज में और इस आश्रम में डेली सुबह शाम की जो प्रार्थनाएं जो होती है उसको वो हमेशा यहाँ पे कंडक्ट करते थे। तो मैं अपना ये सौभाग्य मानता हूँ, मैं अम्बुलकर गुरुजी को बहुत बहुत हमारे जो जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही उनका आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर मिलता रहे जन्म भर के लिए। जेव मैं 2016 मध्ये इथे आलो तेव्हा काकांची भेट आणि काकूंची भेट, आमचं नातं काकू आणि काकाजी असंच जुळलं। मला आजच माहीत झालं का त्यांचं नेमकं नाव काय आहे, गजानन अम्बुलकर म्हणून। मग मी शोध घेता घेता त्यांच्या कर्मांचा पुजारी आहे, त्यांचा ज्ञानाचा पुजारी आहे, त्यांच्या शांती कौशल्याचा पुजारी आहे। मी व्यक्तीला न पुजता त्यांच्या सर्व सद्गुणांना पुंजत असून मी त्यांना माझा एक अंतरस्थ हृदयातून गुरु मानलेले आहे। बरेच लोक मूर्ती बनवतात पण काकांच्या मूर्ती ह्या खूप बोलक्या आणि काहीतरी असा संदेश देणाऱ्या असते। तसंच त्यांचं ज्ञान जे आहे काकूंचं आणि त्यांचं, ते बोलताना खूप मधुर, काकूंचं बोलणं खूप कोमल असं मायाळू असते। पाषाणाला फोडी पाजर पाषाणाला असा कोणत्याही स्वभाव असला तरी त्यांच्या बोलण्यामुळे ते असे मनामध्ये उतरतात जसं त्यांचा स्वभाव कार्बनचंच काम करतो, कोऱ्या कागदावर जसं लिहिल्या जाते, वरच्या कागदावर लिहिलेलं खालच्या कागदावर उतरतं असा त्यांचा स्वभाव एकदम हृदयात तोच उतरतो। त्यांचं ते संवेदनाशील वागणं, दया, क्षमा, शांती याचे तर ते पुजारीच आहे। मी त्यांना गुरुच मानलं होतं, माझी छोटी मोठी कोणतीही गोष्ट असली तरी मी त्यांनाच गुरु। एक गोष्ट विचारू का? विचार। आणि ते पण कधी पण भेटले तर फक्त मलाच नाही विचारायचे, तुझी पत्नी कशी आहे, तुझी मुलं कशी आहे, का आहे सहवासामध्ये, आणि या परिसरात त्यांचे ते चित्र, त्यांनी लिहिलेल्या म्हणी आणि त्यांचे ते गीतं, पेटीचा आवाज, त्यांच्या गीतामध्ये तर एक लवचुंबकीय अशी ऊर्जा आहे की चालत असणारा माणूस पण क्षणभर थांबन आणि मगच पुढे जाईल। ही लवचुंबकीय ऊर्जा याचा संचार काय होतो, कसा जातो, तो कानिका पडतो, हा वायू, पक्षी, ही जमीन, हे सर्व त्यांचा प्रसार करत आहे। अशी ही जे मन आहे ते त्यांच्या परिवारातून, त्यांच्या ज्ञानातून, त्यांच्या कर्मातून, त्यांच्या सर्व गोष्टीमधूनच आजही जिवंत राहत आहे। या गोष्टीचा मला खूप आनंद आहे आणि त्यांच्या परिवाराचा मला सवास मिळाला, माझ्या परिवाराला सवास मिळाला, मी इतका भाग्यवान समजतो
त्यांना गुरु मानलं असं, गुरु मानलेलं असं माझ्या हृदयात प्रेम त्यांचा आजही मी जिवंत ठेवत आहे. गुरुजी का पूरा जीवन पूज्य महात्मा गांधी और विनोबाजी भावे इनके पूरे सानिध्य में गया, इनके विचारों में गया. तो आश्रम का जीवन और हमारा गांव का जो जीवन था, तो ये जीवन पूरा यानी लोगों को ये जीवन सहज ही मिलता नहीं है. एक अलग सा यहाँ हमको जीवन उनको देखने को मिला. गुरुजी का जीवन ऐसे दो शब्द में जीवन व्यतीत करना बहुत यानी मुश्किल बात है. उनका पूरा जीवन ये जो नई तालीम और आश्रम के परिसर में गया और वो आखिर तक सरलता से जा रहा है, तो उनकी जो साधना है वो बहुत कठिन साधना है. आश्रम का परिसर और पूज्य विनोबा भावे और गांधी जी की जो शिकवन थी, वो पूरी शिकवन उनको उनके साथ रहने के बाद ही हमको महसूस होता है. आज मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, ये जो दो शब्द उनके बारे में प्रकट करने का मुझे सौभाग्य मिला और यही मैं मेरी बात समाप्त करता हूँ. गजानन राव जी का कला जगत में अतुलनीय योगदान के लिए आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ने साक्षात्कार लिया और उसे प्रसारित किया. उन्हें विभिन्न पुरस्कारों द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है. महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पीसी अलेक्जेंडर ने भी उनका सार्वजनिक सम्मान किया था. श्री गजानन राव जी अम्बुलकर ये मेरे बड़े पिताजी हैं. वो हमारे पिता तो है पर उसके साथ ही मार्गदर्शक, प्रेरक. उनसे हम सदैव जीवन में आगे बढ़ने की, प्रतिकूल परिस्थिति में सामने चलने की और संघर्षमय जीवन में हमें खुद को प्रस्थापित करने की प्रेरणा हमें हर बार मिलती रहती है. और उनके ही प्रेरणा से और उन्होंने जिस तरीके से इस संघर्षमय जीवन से चल के खुद को प्रस्थापित किया, वही मार्ग और वही शिक्षा उन्होंने हमें और हम सभी भाई बहनों को दी है, उसी तरीके से हमें बच्चों को भी यही मार्ग से चलना है. और उन्होंने दिखाया हुआ जो सत्य का, संघर्षमय जीवन का, अहिंसा का और गांधीवादी जो मार्ग उन्होंने हमें बचपन से पढ़ाया है सभी भाई बहनों को, हमें भी उसी मार्ग से चल के अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन को समृद्ध करके आगे बढ़ाते रहना है. मुझे आज बहुत ही खुशी है कि गुरुजी को ये इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है और गुरुजी ने जो बहुत बड़ा योगदान 10-12 साल तक ये नई तालीम का नया प्रयोग खड़ा करने में, यहाँ के रिश्ते बनने में, यहाँ के बच्चों को एक प्राकृतिक तरह से जीने की दृष्टि देने में, अध्यापकों को उस दृष्टि से बनाने में जो योगदान दिया, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है. संसाधन तो बहुत होते हैं लोगों के पास, पर कम से कम संसाधन में विशाल दृष्टि रखते हुए काम कैसे किया जाना चाहिए, खूबसूरती से कैसे किया जाना चाहिए, हर कार्यक्रम में वो खूबसूरती से ये बात सामने लाते थे. ये इतनी सुंदर जगह है, यहाँ के सूखे पत्ते, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पत्थर, हर प्राकृतिक चीज़ को लेकर खूबसूरती से सौंदर्य कैसे निर्माण किया जा सकता है. मिट्टी के रंगों से गेरू, सफ़ेद मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, इससे किस तरह से रंगोलियाँ बनाई जा सकती है, कितनी चीज़ें गुरुजी ने ये सिखाई. यहाँ के त्यौहार मनाए जब जाते थे तो गुरुजी ये प्राकृतिक चीज़ों से कैसे त्यौहार मनाए जाएं, कैसे खूबसूरती हमारे अगल बगल में लाई जाए, इसके नमूने खुद अपने परिश्रम से अपने अध्यापकों को साथ लेते हुए ये दृष्टि उनमें लाते थे और ये दृष्टि हमारे लिए हमेशा के लिए एक मार्गदर्शक रहेगी और इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. कला को किसी माध्यम के द्वारे ही दर्शाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता, तो कला का वो जो एक स्वरूप है कि हम एक आकार देना, सृष्टि को एक नए फॉर्म में लाना, परफॉर्म करना, ये कला के साथ जुड़ा है. और मुझे लगता है कि जीवन में भी इस चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों को अलग अलग माध्यमों के द्वारा से नहीं रख पाते हैं, अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, तो शिक्षा का कोई मायना नहीं होगा. तो ये अभिव्यक्त का एक सशक्त साधन लेकर गुरुजी यहाँ पर रहे
और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साधना उनकी यहाँ पर रही है। इसके आधार पर यहाँ जो कई चीज़ें शुरू की है उसको फिर नई तालीम के रूप में हम उसको बढ़ाते रहे, विस्तारित करते रहे और वृद्धि भी करते रहे। हमारे उपनिषद में कहा है 100 साल जीना, लेकिन कब तक? जब तक हम कार्य कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बाकी का तो ईश्वर के हाथ पे है। जब वो ले जाना है ले जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं है। पर मृत्यु कोई ये डरने की चीज़ भी नहीं है, मृत्यु कोई दुख की चीज़ भी नहीं है, ये कोई शोक की वस्तु भी नहीं है, ये तो बहुत आनंद की वस्तु है। हमने तो विनोबा जी के पास यही समझा, पर जब उनका मृत्यु हुआ तो हम लोगों ने तो जैसे आनंदोत्सव होता है वैसा मनाया। इसलिए ऐसे जो है जिनका जीवन कृतार्थ हो गया हो, ऐसे लोगों को कोई जीवन मरण ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उनके लिए मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएँ। अब अपने जीवन के अंतिम पर्व में गजानन के सामने अपने पिता का उदाहरण है। इनके पिता को आप बीमार हुए थे, मेरे साथ में एडमिट हुए हॉस्पिटल में, तो कारण नहीं समझ में आ रहा था तो उन्होंने इसको भांपा और कहा कि उल्लास बीमारी का ध्यान नहीं आ रहा ना। मैं कहा नहीं आ रहा दादा, दवाखाने में क्यों रखता, घर भेज दे। मैंने कहा देखिए कुछ दिन प्रयत्न करके देखते हैं, बिना दवाई के रखूंगा। बिना दवाई के दवाखाने में गए तो खुसरू-पुसरू शुरू हो गई। तो फिर मैंने कहा दादा अपन घर जाएंगे, तो घर जाने का तय हुआ। घर आए, 2 दिन प्रार्थना के वातावरण में उन्होंने शांति से प्राण छोड़े। तो दादा हमें सबको सिखा गए, उसे भी और हमें भी, कि शांति पूर्वक प्राप्त मृत्यु उपचार का अपयश नहीं होता, बल्कि वो उसका उत्तम यश है। मृत्यु की अपरिहार्यता देखते हुए उसका स्वागत कैसे करना, इसका पाठ दादा दे गए। प्रगल्भ जीवन जीने वाला व्यक्ति प्रगल्भ मृत्यु को ही चाहता है, उस पथ पर आज गजानन है। मेरे तरफ से शुभास्ते पंथाना संतो। देखिए गांधी जी को मैंने जिस हालत में देखा है, जब मेरी आयु 4 साल की होगी, तो हमको तो कुछ समझता नहीं था, लेकिन वो घूमने के लिए निकलते थे तो हम देख पाते थे, ठीक है। और मैं आपको क्या बताऊं कि खुशी तो है मुझे, लेकिन थोड़ी सी दिल में थोड़ी सी आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसमें थोड़ा बड़ा होता और बापू के साथ, मतलब महात्मा गांधी के साथ प्रत्यक्ष रूप में संवाद करने के लायक अगर होता तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा उसको और अच्छी तरह से समझ पाता और अपने 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 अंदर एक ऐसी ऊर्जा शायद पैदा होती कि मैं और अच्छी तरह से उनके रास्ते पर चलने की मुझे मिलता। बस इस बात का मुझे थोड़ा सा ये है, लगता है ना कि अपने कोई चले गए अपने ऊपर जिनकी साया है, तो जो जैसा होता है वैसा मुझे लगता है, यही खेद है बस। बाकी सुखी हूँ मैं, संतुष्ट हूँ। फिर भी मैं उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ, भले वो शारीरिक रूप में न हो, कि वो मुझे ऐसा आशीर्वाद देते रहे कि उनके बताए हुए सारे रास्तों के ऊपर चलने की मुझे ताकत दे, कोशिश दे। ये मेरी ईश्वर चरण से, उनकी आत्मा से मेरी प्रार्थना है। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता का ये दर्शन उनके जीवन की बुनियाद है। गजानन अम्बुलकर गुरुजी का जीवन त्याग और समर्पण की लंबी दास्तां है, जो युवा पीढ़ी को गांधीवाद अपनाने के लिए
सदैव प्रेरित करता रहेगा।